कर्नल वीएच सिसोदिया व सूबेदार एआईजी लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की नौवीं से ही कैडेट काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलियेटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दरबा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111, 8929551111। क्या मामला है और क्या मसला? ये मेरे विधानसभा फ्लोर झिरका में एक रास्ता है जो अलवर के लिए जाता है, नहू से लेके मुंडा का बॉर्डर है राजस्थान तक, जिसका मैं पिछले 2 साल से लगातार विरोध कर रहा हूँ कि यहाँ हर रोज एक एक्सीडेंट में मौत होती है। अभी पिछले महीने में एक कुलावट गांव है, उसका परिवार बालाजी जा रहा था तो 6 के 6 मेंबर रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे। काफ़ी फैमिली जैसी हैं जिसमें एक बार 8 आदमी एक्सपायर हुए। कुल मिला के पिछले 10 साल में तकरीबन यहाँ 1600 आदमी एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हुआ है और 3800 टोटल एक्सीडेंट हुए हैं। किसी की कूहनी टूट गई है, पैर टूट गया है, कोई अंधा हो गया, बहुत मुसीबत है इस रोड पर। विधानसभा में मैंने 4/3/2020 को भी ये बात रखी थी कि भाई यहाँ रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस रोड को 4 लेन बनाया जाए, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसके लिए मना कर दिया था कि नहीं सर, वो कहते हैं कि एक बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे बनाया है जबकि वो बॉम्बे को जाता है और ये अलवर को जाता है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों रास्तों में। तो इस वजह से मैं विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ, जता रहा हूँ विधानसभा के बाहर कि हाउस में मेरी बात नहीं सुनी जा रही। इस रोड को बहुत ज़रूरी है कि 4 लेन जल्द से जल्द किया जाए और 28/2020 को मैंने ट्रामा सेंटर की मांग की थी जिस पर अपने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हाँ की थी कि भाई हम आपको ट्रामा सेंटर देंगे, जब एक्सीडेंट हो जाएंगे जयपुर जाएंगे तो वहाँ से हमें कम से कम 4 घंटे लगते हैं, दिल्ली आएंगे तो 3 घंटे लगते हैं, तो इतने में जो एक्सीडेंट होते हैं आदमी एक्सपायर हो जाए उस पर गोल्डन आवर्स 2-3 आवर्स होते हैं जिसमें उसको बचाया जा सकता है। इसको लेकर मैं यहाँ विरोध अपना कर रहा हूँ। मना ही कर चुकी है कि ये 4 लेन नहीं बनेगा तो फिर अगली रणनीति क्या? अब इन्होंने 6/5/2021 को 292 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया कि इस रोड को बनाया जाए। मैं आपको उसकी अभी जो सरकार ने अप्रूवल दी है उसको दे देता हूँ। तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं, कहते हैं DPR बन रही है, DPR भी है, लेकिन सरकार की मंशा क्या है वो क्लियर करें। तो आपने विधानसभा में सवाल लगाया? मैंने 2 तारीख को एक ध्यान आकर्षण पेश किया है अपने स्पीकर सर को, कल तक तो मंजूर नहीं हुआ था, आगे पता चलता है कि मंजूर होता है नहीं होता है। अगली कार्रवाई क्या होगी अगर विधानसभा सरकार से कुछ नहीं मिलता है? देखते हैं कि ध्यान आकर्षण केंद्र मंजूर होता है तो उसका ये क्या जवाब देते हैं, उसके बाद अगली रणनीति तैयार की जाएगी।